गोविंद जी बिहार से राधे 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 महाराज जी महाराज जी सफलता क्या है इसकी परिभाषा क्या है कैसे जाने कि हम सफल हैं या असफल हैं? किस क्षेत्र में सफलता का तो क्या पैमाना है यह जानना चाहते किस क्षेत्र में समाज में, के क्षेत्र में कार्य के क्षेत्र में सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा समय घुमाई यदि हमारे द्वारा दूसरों को सुख प्राप्त होता है चाहे वो परिवार के हो चाहे समाज के हो चाहे राष्ट्र के हो, तो हम सफल जीवन मानो सफल जीवन है हमारा यदि हमारे द्वारा पाप कर्म होने लगे दूसरों को दुख पहुंचने लगा दूसरों का शोषण होने लगा तो हमारा जीवन निरर्थक हो गया समझ पा रहे अब दूसरों को सुख देने की योग्यता आनी चाहिए अंदर क्षमता आनी चाहिए जो हमारा अपमान करे जो हमारी निंदा करे हम उसको भी सुख दे सके इतनी हमें क्षमता हुई मानव जीवन की सफलता है वो क्षमता आती भगवान के आश्रय और भजन से लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति चाहने के लिए बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और बुद्धि शुद्ध होती भगवान के चिंतन से भगवान के नाम जब से अशुद्ध बुद्धि वाला भले और धर्म का नाटक करे वो केवल अपनी वासनाओं का पोषण ही करता है किसी से भी मिलेगा उससे क्या लाभ ले लें ले, यही बात सोचेगा उससे क्या सुख ले लें ये और जिसकी ये बुद्धि है वो सुसुख वांछा है सुसुख वांछा वाला कभी समाज का कल्याण नहीं कर सकता कभी समाज को सुख प्रदान नहीं कर सकता वो जीवन की सफलता नहीं और निरर्थकता है जीवन सफल है दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं सत्य और सच्चिदानंद को प्राप्ति करना वो होता है भजन से और परोपकार से ये क्षमता हृदय में आनी चाहिए परोपकार किसके दिमाग में चल रहा है सबके दिमाग में चल रहा केवल कैसे धन कमाऊं कैसे भोग भोगूं कैसे परिवार को जिलाऊं कैसे खुद वासनाओं की पूर्ति करूं बस विचार करके देख लीजिए इससे ज्यादा दिमाग में और दौड़ नहीं है हम कोई पद प्राप्त कर लें उससे अच्छा धन कमा लें उससे परिवार को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें धन के द्वारा अपने परिवार को केवल सुख पहुंचाने की चेष्टा की भावना अपने शरीर को सुख पहुंचाने की चेष्टा की भावना ये अधर्म में उतार देती है जैसे एक दूध बेचने वाला है अपने परिवार के सुख के लिए वो केमिकल मिला करके दूध बना रहा है और वो भारी संख्या में दूध को बेच रहा है जिससे हजारों लाखों बच्चे पिएंगे अगर उसी से कहो तुम अपने बच्चों को पिलाओ तो नहीं पिलाएगा अब वो केवल अर्थ की प्रधानता के लिए जानबूझकर ऐसा आहार बेच रहा है जिससे कैंसर की वृद्धि हो जिससे आंतें खराब हो जिससे शरीर अस्वस्थ हो अब वो क्या सफल है खूब धन कमा रहा है क्या समाज में उसे सफल व्यक्ति माना जाएगा विचार कीजिए एक आदमी है जो अपने धर्म से चलता है लेकिन गरीब है लेकिन वो किसी का आहित नहीं करता किसी का मंगल नहीं करता उसका सफल जीवन माना जाएगा आज हम सफलता धन से अच्छा मकान बना लिया बढ़िया हाँ गाड़ी लिया चाहे वह के पूर्वक हो लेकिन उसके आचरण उसका व्यापार या उसका कर्तव्य वो उसके साथ बिल्कुल विपरीत चल रहा है वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा अधर्म आचरण कर रहा है और दुर्गति को प्राप्त होगा तो क्या आप उसे सफल जीवन कह सकते हैं जो अधर्माचरण आप विचार कीजिए कितना कितना मतलब दर्दनाक विषय है कि जिनसे हम हाथ धो करके भी कई बार धोना चाहेंगे ऐसे पदार्थ दूध में मिलाए जाते हैं मतलब ऐसे पदार्थ दूध बिल्कुल वो मतलब जहर समझो ऐसा अब वो दूध ऐसी पवित्र वस्तु है कि सब जो फ्लेटों में रह रहे, रहे मकानों में रहे गाय तो सब पाल नहीं सकते फ्लैट में अब दूध लेंगे ही ना अब वो दूध कितना नुकसान करेगा ऐसे ही आपके अंगूर देखने में चिकने और स्वादिष्ट हो इसलिए केमिकल कितना बड़ा हौद बना केमिकल का और उसमें डूबो डूबो कर अंगूर रख रह रहे हैं अब वो अंगूर जो खाएगा वो बीमार पड़ेगा ऐसे सारी सब्जियां ऐसे ऐसे केमिकल अब ये क्या उन्नति हो रही समाज की हमारे समाज की अवनति हो रही आज उन्नति पाए मानी जा रही है केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति की इसे समाज की उन्नति नहीं कहते धन दे करके किसी भी प्रकार से पद में पहुंच जाना और पद का दुरुपयोग कर देना इसे उन्नति नहीं कहते हैं धर्म पूर्वक दूसरों का सुख देखते हुए जो चलता है उसे उन्नति कहते पर इस उन्नति को संसार नहीं मानता इस उन्नति को भगवान और भगवान के निज जन मानते हैं तो ऐसी उन्नति कौन चाहता है ऐसा लाखों में कोई एक होगा कि नहीं साहब आप चाहे जितना धन दे हम जानते हैं कि दोषी तो इसको दंड दे के रहेंगे और ये निर्दोष इसको छोड़ के रहेंगे ऐसा नहीं होता कोई बिरला ही ऐसा लाखों में कोई मिलेगा नहीं तो सब तो ये संसार की उन्नति प्रधान बुद्धि सुख बुद्धि उसे उन्नति नहीं कहते वो एक दिन इतना बुरी तरह नष्ट होगा उजड़ेगा कि उसके मतलब रोने वाला कोई नहीं बचेगा आप ये भी समझ लो अधर्मी का विनाश ही होता है और उन्नतिशील धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलेगा लेकिन बहुत काल तक जलता रहेगा आप कौन सी उन्नति मानेंगे जो हाइलोजन की तरह जले और फ्यूज हो जाए या दीपक की तरह बहुत काल तक जलता रहे और दूसरों का मंगल करे दीपक इसी उन्नति की तरफ बढ़ना चाहिए और इसी उन्नति को बढ़ाने के लिए ये प्रवचन होता है ये शास्त्र है जो संत जन वास्तविक भगवान के मार्ग में वो इसी बात को समझाना चाहते हैं महाराष्ट्र जैसे आपने बोला ना कि जो धर्मशील व्यक्ति होता है कि दीपक की तरह चलता है बट क्या आजकल सबको जल्दी जल्दी चाहिए महाराज जी आप बिल्कुल सही बात महाराज जी कि जल्दी जल्दी चाहिए और धन और सफल मतलब बड़ा आदमी गाड़ी तो जल्दी नष्ट भी हो जाएगा ना जल्दी जल्दी बड़ा जल्दी जल्दी नष्ट भी हो जाएगा ना तो नष्ट भी अगर आपको परिणाम लग रहा है जो बहुत जल्दी धनी बनना चाहता है और बहुत गंदे कामों में उतर जाता है हां मतलब आप जितने भी गंदे कामों में हिम्मत होती उतरने की वो बहुत जल्दी धनी बनने के लिए होती अब उससे फिर उसका विनाश भी होता है नाश भी होता है एक बार सफल दो बार सफल तीन बार सफल तुम्हारा उत्साह बढ़ता चला जाएगा और चौथी बार ऐसा फंसा दिया जाएगा कि मिट्टिया मेट हो जाएगा नहीं हो जाएगा आप खूब समाचारों में सुन रहे हैं कि बड़े बड़े जिनके पीछे सैकड़ों गाड़ियां चलती थी मिट्टी में मिल गए उनके महल खंडहर पड़े हैं जिनको वीडियो में दिखाया जाता है कि अमुक का ये मकान है इससे शिक्षा लेनी चाहिए थोड़ा धर्म से चलो दूसरों का खून मत बहाओ दूसरों का खून मत जलाओ ऐसा मत करो कि वो गरीब है असमर्थ है तो आ वर करके तुम्हारी तरफ दे के मिट जाएगा आदमी मिट जाए ऐसा ना समझो कि कोई देखने वाला नहीं ईश्वर है ऐसी जगह मारा जाता है कि रोने को नहीं मिलता है अधर्मी को ऐसी जगह पिटाई होती है कि उसको फिर आंसू पोछने वाला नहीं होता ये पक्की बात बच्चा आज नहीं तो कल जो चमके हैं अधर्म से वो ऐसा बुझेंगे कि देख लो देखा है हाँ देखा है बच्चा ये हमने दिए जीवन में कई देखा है और आप लोग भी इस विषय को देख रहे हैं तो हमारी प्रार्थना है कि उन्नति धर्मशील धर्मयुक्त जीवन उसको उन्नति मानो बहुत जल्दी धनी बनने के लिए पाप कर्म मत करो नहीं तो नष्ट हो जाओगे बहुत जल्दी नष्ट हो जाओगे इसलिए बहुत कठिन बच्चा उन्नति का स्वरूप है बस एक चौपाई भी जो हमने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीरासम नहीं अगमाई अगर हम दूसरों को शुभ पहुंचाने वाला स्वभाव बना ले तो इससे बड़ा कोई जीवन की सफलता कभी भूखे को भोजन पवा दो कभी बीमार को औषधि कभी बूढ़े की सेवा कर दो फिर देखो तुम्हें लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया आजकल माता पिता को धक्का मार के बाहर बेटे निकाल दे रहे हैं अगर धर्म की कमाई होती तो झुक के पैर छूता बेटा अधर्म की कमाई तो बेटे की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया तो घर से निकाल दिया ये भी बात समझ लो उसमें बेटे का ही पूरा दोष ले उसमें बाप का भी दोष है हाँ इतना रजोगुणी बना दिया उसको कि धक्का मार के निकाल दिया अगर सतोगुणी बनाते रोज शिक्षा देते पर सतोगुण हो ना दिमाग में क्योंकि धन की प्रधानता रखने वाला सतोगुण कैसे धारण कर सकता है तो इसलिए हमें लगता है बच्चा उन्नति धन की नहीं धर्म की है धर्म से जो चले ऐसे भी पुत्र है माता पिता के लिए प्राण दे देंगे ऐसे भी पुत्र है और ऐसे पुत्र है कि माता पिता के प्राण ले रहे हैं ये भी देख लो और कितना छल कपट है सच्ची बात सुनो आज पति पत्नी में विश्वास नहीं रह जहां जा एक प्राण कहा जाता था अर्धांगिनी कहा जाता था पति पत्नी को एक अंग माना जाता वहां विश्वास नहीं रह गया माता पिता पुत्र हर संबंध धोखा नहीं हो रहे देख लो। आ, जीवन का बड़ा विचित्र है बच्चा उन्नति धर्म अधर्म ला अधर्म उन्नति ले ले तो ऐसी बुद्धि हो जाती है गरिमा सिंह जी लखनऊ से राधा वल्लभ श्रीहरिवंश महाराज जी महाराज जी रामचरित मानस की एक चौपाई में लिखा है कह मुनीस हिमवंत सुनु जही विधि लिखा लिलार देव दनुज नर नाग मुनि को ना महाराज जी क्या वास्तव में सच है जो कुछ आपके लिए भाग्य में लिखा हो चुका है वो अमिट है या एक चुपाई में ऐसा भी लिखा है जो तपु करे कुमारी तुम्हारी भावे हूं मेटी सकुहूं त्रिपुरारी मेट भाग्य तप एवं नाम समझने कि जो हमारा भाग्य रचना इस शरीर को रचते समय हुई है वो हमारे कर्म परिणाम से किसका प्रश्न है कर्म परिणाम से हुई है हमारे पूर्ण के पुण्य और पाप दो कर्म से मिश्रित इस मानव देह की रचना होती है पुण्य कर्म से ऊपर के लोगों के शरीरों की रचना होती है पाप कर्म से केवल नारकी यातना देह की रचना होती है पाप और पुण्य मिश्रित कर्म से मृत्यु लोक के जीवों की रचना होती है तो ये जो मानव देह रचा तो रचने के समय दो विभाग एक पाप का विभाग और एक पुण्य का विभाग उस समय पाप के विभाग में इस अवस्था में यह दुख आएगा इस अवस्था में रोग आएगा इस अवस्था में घटना घटेगी इस अवस्था में यह अनुकूलता आएगी ये संपत्ति मिलेगी ये सुख विधान यह प्रारब्ध होगा प्रारब्ध वो कोई देवता नहीं है हमारे कर्मों का कुछ परिणाम इस शरीर में अब जो तपस्या के द्वारा जितेंद्रियता के द्वारा भजन के द्वारा पूर्व के पापों का नाश करने में समर्थ है वो इसी समय अपने भाग्य को नष्ट कर सकता है तभी वो जीवन मुक्त होता है तभी वो मोक्ष पदवी भाग्य में थोड़ी लिखा है कि तुम जीवन मुक्त हो जाओगे ये तो भजन और तप के द्वारा हमारा नया कर्म बना ऐसा जिससे पूर्व कर्म को बाधित करके और मोक्ष पदवी को प्राप्त हो गया तो ये तो परम सत्य है पर उस कोटि का तप हो अब जैसे एक किलो आपका पाप है पांच ग्राम आपका भजन है तो क्या करेगा जब सवा किलो भजन हो तब एक किलो को बाधित करके वो आगे पच्चीस ढाई सौ ग्राम बढ़ गया तो इस कोट का जो तुम्हारी सुकुमारी तप करे तो तप के द्वारा भावी को भी भगवान शंकर मेट सकते हैं और इसके पति के रूप में हो सकते हैं ऐसा विधान बताया तो तपस्या का तात्पर्य होता है इंद्रियों को विषयों से विमुख करके निरंतर इष्टाकार वृत्ति करना इसे तप कहते हैं जो काम क्रोधादिवेगों का आक्रमण होता है उसको उस ताप को सहना और निरंतर इष्टाकार वृत्ति रखना इष्ट में वृत्ति रखना बहुत कठिन है इष्टाकार वृत्ति करना अगर ऐसा है तो प्रारब्ध का नाश भी हो जाएगा प्रारब्ध का अगर नाश ना होता तो कोई मोक्ष पद भी प्राप्त न करता कोई भगवान को प्राप्त न करे किसी के भाग्य में भगवान नहीं लिखे भाग्यवशाद भगवान नहीं मिलते भजन वसाद भगवान मिलते हैं आप कहीं ऐसा लिखा मिले कि भाग्य में जैसे किसी के लिखा है कि पच्चीस वर्ष की अवस्था के बाद ये अरब पति बनेगा तो हाय वो संयोग बनेगा फटाफट फटाफट वो अरब पति बन जाएगा लेकिन भाग्य में संयोग व साथ भगवान को प्राप्त होगा कहीं किसी की कुंडली में नहीं लिखा ये तप के द्वारा भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है इसका मतलब प्रारब्ध का क्षय किया जाता है प्रारब्ध का नाश होता है अगर ना होता तो भगवत प्राप्ति होती ही नहीं तो भगवान शंकर की प्राप्ति को मतलब तो भगवान की ही तो प्राप्ति है कि अगर तुम्हारी सुकुमारी तपस्या करे तो भगवान शंकर प्रारब्ध मेट सकते हैं और वो इनको प्राप्त हो सकते हैं तो भगवत प्राप्ति भजन के द्वारा होती है तप के द्वारा होती है तो समस्त प्रारब्ध छिन्न भिन्न हो जाता है क्रियाण निष्फल हो जाता है संचित भस्म हो जाता है तो उसे भगवत प्राप्ति होती है भजन में इतने सामर्थ्य है और भजन के बिना अवश्य में भोग कर्म, आप जो कर्म करने, उनको भोगना ही पड़ेगा तो दोनों बातें सत्य हैं दोनों अपनी अपनी जगह सिद्धांत है समझ पा रहे हैं आप गोकुल कुमार जी नाप से राजा वल्लभ जी गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव मैं गोकुलेश्वर महादेव जी के मंदिर प्रांगण में स्थित माताजी के मंदिर में सेवक हूँ मैया बाबा की सेवा करते हुए आप में अति आसक्ति हो गई है आपके बताए मार्ग पर चलने का भी प्रयास कर रहा हूँ अतः गुरुदेव मैं पूर्ण रूप से आपका होना चाहता हूँ आपके मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता हूँ गुरुदेव इनका एक प्रश्न है कि गुरुदेव मंदिर में कोई चरण स्पर्श की जिद करे तो क्या करना चाहिए आपके ठाकुर का जो नियम हो मंदिर में जो नियम हो उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए यदि ऐसा है कई जगह ऐसा है कि ठाकुर जी के चरण छू सकते हैं जैसे बिठल भगवान है कई जगह ऐसा है कि आप छू सकते हैं और कई जगह ऐसा है कि आप जैसे राधा वल्लभ जी आप डेहरी नहीं क्लास कर सकते वहाँ तो फिर नहीं जहाँ का जो नियम है उसका पालन करना चाहिए जी, माता जी है दुर्गा माता जी के सेवक है वहाँ किसी का कुछ नहीं बस आपको ही सिरोधार करके चलते हैं बहुत बड़ा मंदिर नहीं है छोटा सा मंदिर है तो वहाँ कई सारे वक्त आते हैं तो देखते हैं कि ये इनके चरण पर बना करते हैं जो है मैया देने वाली हैं आप इनको चरणों पढ़ो सबको देती हम तो सेवक झाड़ू पोछा करने वाले ऐसा भाव रखते हैं लेकिन कई लोग बहुत जिद करते आपके चरण सोने की बात कर जी। नहीं हमारा तो लक्ष्य आप हुए ही नहीं हम तो प्रभु के चरण बात गए आपको तो जहर जहर मत खा लेना बहुत मीठा होता है छू ले के ना पैर पुजवाला है ऐसा लगता है किसी जो छू लिया तो लगता है सब कुछ ले गया पैसे ले ले लेकिन ये कभी ना नहीं ले लेने की बात नहीं सम्मानम कल्यात घोर गरलम नीचा अपमानम सुधा श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन मात्य अगर आप भगवान के मार्ग में चलना चाहते हो तो सबको प्रणाम करना सीखो प्रणाम करवाना नहीं कोई प्रणाम करे ना तो उसे कहने की कोई बात नहीं वो पंचांग कर रहा है हम ऐसे कर लिए अरे अरे नहीं, नहीं नहीं ये भी नहीं ये ये भी नाटकबाजी नहीं कोई प्रणाम कर रहा है उसकी श्रद्धा है मानसिक हम प्रणाम हम स्वीकार नहीं करते प्रणाम स्वीकार करना का मतलब होता है समझ रहे हैं ना प्रणाम हाँ प्रणाम अस्वीकार करने का मतलब आपकी श्रद्धा पंचांग साष्टांग आप कर रहे हो हम आपको कर रहे हैं बस हा अगर मान लेना स्वीकार कर लिया तो आगे परमार्थ में नहीं बढ़ सकता हाँ अमानिना मान देना कीर्तन या सदा हरी स्वयं अमानी रहकर दूसरों को हमने तो समझा ठाकुर के आराध्य देव के चरण छूने की बात लेकिन अपने छूने का तो कोई सवाल ही नहीं है ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए अपने को सदैव अधम नीच मानना चाहिए जो दूसरे प्रणाम करते उनके भाव को प्रणाम करना चाहिए कि तुम्हारे कितने अच्छे भाव हैं हम प्रणाम करते हैं पर मैं प्रणाम योग्य नहीं हूँ प्रणाम योग्य आराध्य देव या हृदय में बैठे हुए भगवान जैसे अपने लोगों को कोई प्रणाम करता है लक्ष्य करके तो हम अपने गुरु को देखते हैं कि ये गुरु का दिया हुआ प्रसाद है उसी को प्रणाम कर रहे हैं हम तो अधम निमित्त मात्र हैं प्रणाम तो इष्ट और गुरुदेव को हो रहा है ये तिलक ये कंठी ये वेश गुरुदेव ने दिया है अब ये उतर जा पैंट शर्ट पर ले कोई प्रणाम करेगा क्या तो इसी को तो प्रणाम कर रहे हैं अच्छा जो सदगुण है वो गुरु प्रदत्त है जो मंत्र है उपासना वो गुरु का है तो हमारे पास तो सब कुछ गुरु का है तो जो कुछ प्रणाम जा रहा है गुरुदेव को जा रहा है अपने लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं ऐसा भाव रखा जाता है जी। सीए नरेंद्र जी, दे दे। राधा मन बुद्धि ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया ये सब मिलकर शरीर में जीवन भर अच्छे और बुरे कर्म करते रहते हैं आत्मा इन सबसे अलग निर्गुण निष्पाप पवित्र रहती है जब शरीर की मृत्यु होती है तब मन बुद्धि ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों सहित सब अग्नि में जल जाते हैं नहीं कहां आगा तो आगा। कहा तुम कहा समझ है समझ कहा है अभी गलत समझ है अभी मतलब समझ सही नहीं हुई ना सही सही शब्द नहीं है बात यह समझनी है अपने पवित्र और निर्विकार स्वरूप को भूल करके एक एक शब्द को समझना आपने अपने को देह मान लिया माना ना देह ईमानदारी वाली बात है आप पुरुष हैं आप अमुख हैं मानो ना देखो पहली गलती ये हुई दूसरी गलती ये हुई कि मन में आपने अपने आप को बिठाकर कर जो मन चाहता है वही आप चाह कर लेते हैं मन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जैसे नेत्र है वो कुछ देखना चाहता है तो अब आपकी इच्छा हुई कि आज मैं ये देखूंगा यार आज मेरे कह जरूरी रहे हो कि आज मेरे मन में आया है कि मैं देखूंगा तो मैं आज ये देखूंगा मन ने जो चाहा वो आप ज्ञानेंद्रियों के साथ मन का संकल्प ना समझकर आपने अपना माना ठीक है यहां से आपकी गलती शुरू हो गई अब वो जो शुभ या अशुभ दो प्रकार के संकल्प करता है अच्छे या बुरे वो आप अंदर बैठा करके वही कर रहे हैं जो वो कह रहा है वो गुरु और आप चेला अब आप अपने को निर्विकार शुद्ध बुद्ध आत्मा शब्द नहीं कहेंगे अब मलिन देहाभिमानी जीव कहा जाएगा समझ रहे ना अब ये मलिन देहाभिमानी जीव का जब शरीर पूरा होता है तो केवल पंचभूत रचित यह ढांचा जलता है इसके अंदर जो पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया अंत चतुष्टय, चतुष्ट ये जीवात्मा लेकर दूसरे शरीर में जाता है, जाते है। साथ, साथ जब तक जीवन मुक्त नहीं होगा तब तक वो साथ रहते हैं ये भस्म नहीं होते हैं भस्म होता है केवल ढांचा एक इसी शरीर को जब आप स्वप्न में होते हैं तब इसका ज्ञान होता है क्या आपको नहीं होता ना कि सैया में एक शरीर सोया हुआ है लेकिन स्वप्न में आपको यदि पिटाई करे या पूजा करे तो सुख दुख का अनुभव होता है ना तो स्वाप्निक शरीर से होता है ना ऐसे ही उस जीवात्मा के साथ ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया साथ रहती अंताकरण के अब अगर पाप किया है तो नरक में तो यातना देह मिलता है स्वप्न में कोई गला काटे तो यद्यप स्थूल शरीर को खरोच भी नहीं आएगी पर आपको भयानक पीड़ा महसूस होगी और कभी कभी देखो किसी का कंट्रोल अगर छूट गया तो चिल्ला पड़ता लोग दौड़ते क्या हुआ बोले यार स्वप्न देख रहा था समझ पा रहे ना स्वप्न की खरोच भी स्थूल शरीर में नहीं है पर उसे पीड़ा है वो तभी हटेगी जब वो जग जाएगा ऐसे ही उसको नर्क की अंतरणा भोगनी पड़ती है उसी सूक्ष्म शरीर से जो जैसे स्वप्न में था ना ऐसे यातना देह में भोगनी पड़ती है अगर पुण्य हुआ स्वर्ग तो लोक आदि जाकर सुख भोगता है फिर मृत्यु लोक में आकर के जन्मता है इसी चक्र को मिटाने के लिए मानव देह मिला है कि ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा इसको मिटा दिया जाए आप समझ पा रहे हैं वो मिटाने के मार्ग हैं गुरु चरणों का आश्रय लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना उपासना से हम अपने शरीर भाव को हटाते हैं धीरे धीरे मन से हटते हैं जैसे जैसे अलग होते जाओगे वैसे वैसे जीवन मुक्त हो और जब जीवन मुक्त हुए तो इंद्रियां ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रियां और अंताकरण ये सब भगवान में लीन हो जाता है वो बचा जो शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप जिसे है उसका ना जन्मना है ना मरना है अब जन्म मरण से मुक्त हो गए ये बहुत बड़ा खेल है छोटा मोटा खेल नहीं है कि केवल बातों से मुक्त हो जाए है ले? देखो सुन रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूं पर आप देखो ऐसा कभी भूलकर भी नहीं लगता कि मैं शरीर नहीं हूं ऐसा लगता है मैं यही हूं लगता है ना यही भ्रम मिट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए जा सु कृपा सब भ्रम मिट जाई गिर जा सोई कृपाल रघुराई इसीलिए भगवान का नाम जप करो भगवान के आश्रित रहो वही ज्ञान देते हैं तब समझ में आता है इंद्रियां भस्म नहीं होती हैं अंताकरण भस्म नहीं होता केवल स्थूल तीन शरीर हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर और तीनों शरीरों को वाहन करने वाला जीवात्मा है तो स्थूल शरीर शांत हुआ तो हम समझ लेते हैं, मर गया नहीं वो न कुछ नहीं मरा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और जीवात्मा कर्मानुसार अगली योनि को जाएगा फिर वर्दी ऊपर की बदल जाएगी सुमर बन सकता है कुत्ता बन सकता है गधा बन सकता है ऊपर ही ढांचा आंतरिक माल पूरा वही है समझ पा रहे आप हा जैसे स्वप्न में स्थूल शरीर तो सैया पे पड़ा होता है लेकिन पूरी क्रियाएं होती है ना दुख की सुख की स्वप्न जैसा देखा स्वप्न में देखा बहुत सुख मिल रहा है तो सुख मिल रहा है लेकिन स्थूल शरीर जो है वो तो बेहोश पड़ा है नींद में तो वो सुख दुख किसको मिल रहा था मन इंद्री अंदर है ना और जीवात्मा उसका भोगता वो पूरा सामग्री है और वो देख रहा मैं जल में डूब रहा हूं तो डूब रहा है उस समय भयानक पीड़ा उसको होने जा रही कष्ट होने जा रहा है आंख खुली तो एक बूंद पानी नहीं कोई कष्ट ले पर स्थूल शरीर के रहते जागृत अवस्था का बोध होता है सूक्ष्म शरीर स्वप्नावस्था का और कारण शरीर गाढ़ुप्ति में जब आप जगे तो आज में बहुत सोया ये किसको भान हुआ वही उसी को जो जागृत रहता कभी नहीं सोता वो आत्मस्वरूप कारण शरीर से जुड़कर बोल रहा है आज में बहुत सोया ये ज्ञान का विषय जालेला पड़ेगा समझ पा रहे हो आप मन बुद्धि और आत्मा का द्वंद चलता रहता है कि मैं ये कर लू आत्मा के नहीं।, नहीं आत्मा का द्वंद नहीं है मन बुद्धि के द्वंद में आत्मा ने अपनापन कर लिया ये गलती है आत्मा में द्वंद तो पहुंच ही नहीं सकते शरीर छूटने के बाद भी द्वंद रहता है या फिर वो खत्म हो जाता है उसी द्वंद से तो दुर्गति होती जो कमाया वही तो साथ जाएगा अगर आपने पाप किया है तो पाप का परिणाम और पुण्य किया तो पुण्य का परिणाम साथ ही लगा है आपके पूरे फिर आत्मा कहती होगी कि भी, अब मैंने कहा था मत करो मत करो तुमने किया नहीं नहीं इतना ज्ञान अब केवल इस स्थूल शरीर में बैठ करके बोल रहे हो या स्थूल शरीर स्वप्न में कहा ज्ञान रहता है नहीं रहता ला। जो क्रिया हो रही हो हो रही उसी में डूब रहे हो अपना बस नहीं हाँ इसीलिए केवल मानव देव को प्रदान दिया गया कि इसमें बस है अभी सुधार सकते हो यह ढांचा हटा फिर आपका बस नहीं रहेगा जो आपका कर्म का है वैसे अनुसार वैसी योनियों में आपको भोगना पड़ेगा यही एक बहुत सुंदर पकड़ रहे हो यही योनि एक है जिसमें आपका बस है कि आप सुधार सकते हो अन्य योनियों में सुधार नहीं कर सकते जैसे स्वप्न का सुधार नहीं हो सकता उस समय आप स्वप्न में ही देखोगे कि मैं जग रहा हूं मैं कर रहा हूं लेकिन बचाव पक्ष नहीं है अच्छा बाहर से उसका बचाव पक्ष नहीं जैसे आप डूब रहे हो समुद्र में हाँ जैसे समुद्र में डूब रहे हो और मान लो हम सोचे कि लाखों नाविक एकत्रित कर दें के तो आपके दुख को हम नहीं बचा सकते उसका तभी होगा जब आपको जगा दें बस एक ही उपाय है आपको डूबने से बचाने के लिए केवल जगा दे ऐसे ही इस संसार के चक्र से हटने के लिए एक ही उपाय है कि मानव देह में गुरु शरण होकर भजन कर ले और अपने आप को बचा ले तो बचा ले नहीं आगे बचाने की योग्यता हट जाती है वो देवताओं में भी नहीं है देवताओं में भी योग्यता नहीं है कि वो मुक्त हो जाए वो केवल सुख भोग भोग सकते हैं जितनी उनको पुण्य मिला है उसके अनुसार वो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं केवल प्रयोग खर्चा कमा नहीं सकते एक सिक्का इसमें प्रयोग भी कर सकते हो खर्चा भी कर सकते हो इसलिए बड़े भाग मानो तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ ये देवताओं को भी दुर्लभ है समझ पा रहे हैं आप तो तो जय माता दी जय माता दी रटने से कल्याण हो जाएगा हाँ उनको साक्षात भगवान परब्रह्म समझकर कि मेरे परब्रह्म परमात्मा ने माता रूप धारण किया जगदम्बा रूप और वही जब को उसी सो जाएगा जो भावना करे पर से सर्वोपरि करे चराचर जगत में सर्वोपरि अंबा भाव सर्वोपरि रखना होगा हाँ तो उसी से काम बन जाएगा जैसे रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली में साक्षात कृष्ण देखा सब कुछ पर ब्रह्म परमात्मा देखा तो वही माँ है वही पिता है ये भी बात समझ लो वही शिव है वही शक्ति है कोई दूसरा नहीं है वही चराचर जगत है एक तत्व है उसे चाहे माँ बोलो चाहे पिता बोलो चाहे भगवान बोलो चाहे ब्रह्म बोलो चाहे परमात्मा बोलो तत्व एक है समझ रहे ला तो उसी को सर्वो लो बस उसी से काम हो जाएगा ठीक है। किरण सिंह जी। पीएचडी संस्कृत बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम रवि कर राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी शास्त्र अपने गूढ़ रहस्यों को किस मनुष्य के सक्षम उद्घाटित करते हैं शास्त्र भगवत स्वरूप है आज तक किसी के अंदर अगर शास्त्र का प्रकाश हुआ है तो गुरु चरणों में बैठ करके हुआ है उपनिषदों को पढ़ के देखो कि गुरु चरणों के आश्रित होकर उनके आदे अनुसार अनुसार जब चले संयम नियम पवित्रता धारण की तो फिर शास्त्र के वचनों का उनके हृदय में साक्षात्कार हुआ शास्त्र तो जो है ये गूढ़ अर्थ प्रकाशित करते हैं अगर वो संयमी नहीं है वो गुरु सेवक नहीं है तो उसका अर्थ कुछ और निकाल पाएगा अगर संयमी गुरु सेवक है तो ठीक उसका अर्थ समझ पाएगा जैसे भूल भुलैया रखी जाती है खजाने में खजाना जहां रखा जाता है तो उसके पचासों मार्ग रखे जाते हैं उसको वही जान पाएगा जिसको उसका रहस्य पता है नहीं जाएगा वो घूमता रहेगा ऐसे ही अध्यात्म का खजाना है शास्त्रों में और वो गुरु सेवक गुरु आज्ञा के अनुसार संयम जितेंद्रियता पवित्रता धारण करने वाला ही शास्त्रों के आंतरिक रहस्य को जान पाएगा नहीं तो भूल भुलैया में भटकता रहेगा उसका दूसरा अर्थ बोलेगा शास्त्रों के रहस्य को नहीं जान पाएगा शास्त्र कोई साधारण विषय नहीं कि आप उसको पढ़ लिया अर्थ पढ़ लिया तो आप जान गए नहीं उसके लिए जितेंद्रियता पवित्रता गुरु सेवा तब शास्त्र प्रकाशित होते हैं हृदय में और शास्त्र प्रकाशित हुए अध्यात्म ज्ञान संपन्न बना कि उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो पहली बात है कि गुरु चरणों का आश्रय लेकर संयम नियम आचरण पवित्रता जितेंद्रियता मनोनिग्रहता ये उस उपासक में होनी चाहिए तब वो शास्त्रों का स्वाध्याय करके उस बात को जान पाएगा कि शास्त्र क्या लक्ष्य कर रहे हैं श्रीमद भागवत क्या कह रहा है वेद क्या कह रहा है उपनिषद क्या कह रहे तब समझ में आएगा आप सोच पा रहे गुरु चरणों के आश्रित होकर के महाराज जी त्रिवित ताप किन मनुष्यों को संतप्त करते हैं वो कैसे देहाभिमानी को स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर हैं और इन तीनों शरीर का जो अभिमान धारण किए हुए है उसको ते दैहिक दैविक और भौतिक तापों को भोगना ही पड़ता है तो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए तीनों शरीरों में अहम बुद्धि करके विचरण करने वाले को इन तीनों तापों को भोगना पड़ता है और जो इन तीनों शरीरों से राग हटाकर एकमात्र भगवान के चिंतन में तन्मय होकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है तो उसके हृदय में किसी भी ताप का प्रवेश नहीं हो सकता है भगवान का जहाँ चिंतन भगवान का आश्रय है तहा ताप नहीं तहा पाप नहीं पाप है जहाँ वही ताप है और वही शरीराभिमान है तो नाना प्रकार के काम क्रोध लोभ मोह मदमद इनका वेग है सबका मूल अहंकार है देहाभिमान है ये भगवान के भजन से नाश होता है जहां भजन भगवान का प्रारंभ हुआ चित्त वृत्ति आनंद में डूबी हर ताप नष्ट हो जाएगा दैहिक दैविक भौतिक तापा उसके हृदय में उसके हृदय में नहीं जहां राम राज नहीं व्यापा तो हृदय में यदि भगवान का प्रकाश हो चुका है तो सबके हृदय में भगवान लेकिन नाम जब के द्वारा भगवान को जगाया जाता है प्रकाशित किया जाता है भगवान यहां विराजमान जब खूब भजन करे तो भगवान माया का पर्दा हटा करके इसी हृदय में प्रकाशित हुए दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हूँ नहीं व्यापा जहाँ हृदय में भगवान का वास उस हृदय में कभी भी ये तीनों ताप प्रवेश नहीं करते और जो भगवान से विमुख हैं उनको हर ताप ये तीनों ताप क्या हर ताप झेलना पड़ता है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब अग्नियां हैं ये सब हृदय को जलाती रहती है समझ पा रहे हैं आप महाराज मानसिक सेवा के पुष्ट होने के सोपान क्या है पहले प्रगट सेवा प्रगट सेवा में अत्यंत ऐसी रुचि हो जाए कि आठों हमारा चिंतन बनने लगे अपने इष्ट के प्रति प्रातः से लेकर शयन तक शयन से लेकर प्रातः तक हमारे हृदय में अपने आराध्य देव की आसक्ति पहले पैदा हो प्रगट सेवा के द्वारा और प्रगट सेवा में जब आसक्ति हो जाती है तो देखो मानसिक शुरू हो गई जैसे हम अपने ठाकुर जी श्री जी को भोग लगा रहे चार रोटी दाल सब्जी रखी पर मेरी आसक्ति बहुत प्रबल है हमारी सामर्थ्य प्रगट में भोग लगाने की नहीं पर आसक्ति प्रबल अब हम शुरू हो गए गुजिया गुलाब जामुन बूंदी के लड्डू खीर पुआ ये विविध पदार्थ भाव के द्वारा हम अवस्थाल में रख रहे हैं देखो मानसिक सेवा प्रारंभ हो रही है प्रकट सेवा में उसमें तो दाल सब्जी और रोटी रखे भाव से विविध फल विविध भाव में कोई कमी हो सकती है क्या उसमें पैसा तो लगता नहीं <coughs> विविध फल और विविध भोग सामग्री अब शुरू हो गए प्रिया जी अब ये को कुहार है ये को पार। अब वो भाव में डूबा हुआ है अब मानसिक सेवा प्रारंभ हो गए इस तरह से प्रगट अष्टयाम सेवा से आंतरिक मानसिक सेवा का स्वयं प्रारंभ हो जाता है प्रियाजू को फूल चढ़ा रहे थोड़े फूल हैं भाई मालती के फूल माधवी के फूल या गुलाब के फूल मोगरा चार फूल। हमारी इच्छा है कि हम खूब सजावे और विविध प्रकार के गुलाब के फूलों की ढेर लगा दी भाव में ऐसे फिर ऊपर से मोगरा के फूल सफेद फूल और फिर ऊपर से सुंदर चादर हमारे प्रिया प्रीतम बैठे अब मानसिक सेवा शुरू हो गई फूलों के पहाड़ पिप्रिया प्रीतम को बैठा लिया अब इत्र बड़ा महंगा है सौ पांच सौ का इतना मिलता है हमें पूरा छिड़काव करना है अब हम भाव में पहुंच गए सुंदर इत्र की इत्रि बड़े सुगंधित पूरा छिड़क रहे अब इत्र सेवा हो रही ऐसे ही हम पूरी आठों पैर सेवा कर सकते हैं ऐसे हमारे पास सोना चांदी नहीं पर हम भाव से आभूषण स्वर्ण का मुकुट धारण कर रहे हैं उसमें मोर पिक्स है स्वर्ण की चंद्रिका विराजमान स्वर्ण के बाजूबंद स्वर्ण के हार हीरे के हार भाव में धारण करवा रहे उसमें पैसा तो लगता नहीं अब ये भाव कब आएगा जब प्रगट सेवा ऐसे आंख मूंद के देखो अंधेरा नजर आएगा और जब आप प्रगट सेवा और भजन करोगे तो आपको प्रिया प्रीतम नजर आएंगे अब मान लो मुकुट धारण करा रहे तो हमें प्रभु दिखाई देने चाहिए ना तभी तो धारण करवा रहे तो प्रगट मानसिक सेवा में प्रवेश कराती प्रगट सेवा तो हम पहले नाम जप करें संयम से रहे और खूब वाणी का पाठ करें और प्रगट सेवा करें तो हमारी मानसिक सेवा में स्थिति प्रवेश हो जाएगी पहले मानसिक देवता तो पधारे प्रिया प्रीतम दिखाई तो दे अभी देख देखो अंधेरा नजर आएगा तो किसकी सेवा करोगे मानसिक सेवा करने के लिए मानस में आराध्य देव तो आने चाहिए तो इतनी योग्यता आती है भजन से और प्रगट आसक्ति हो जाए सेवा में तब हैं महाराज जी आंख बंद करने आप ही दिखते हो तो फिर क्या करें तो फिर आगे इसी में प्रिया प्रीतम आ जाएंगे आप तल मेहता करो ये ढांचा मंदिर है इसके अंदर प्रिया प्रीतम है आप बस अगर ऐसी आसक्ति हो जाए कपिल भगवान कहते हैं कि जैसे संसार की आसक्ति घोर बंधन का कारण है यदि संत महापुरुष और गुरुदेव में ऐसी आसक्ति हो जाए तो प्रभु की प्राप्ति का खुला हुआ द्वार है यदि ऐसी मित्रता हो गई तुमको प्रेमानंद से कोई नहीं दिखता आप ही दिखते हो तो आप ये समझ लो प्रेमानंद का ये बाहरी ढांचा है आंतरिक ढांचे की प्राप्ति इसी ढांचे के चिंतन से भी हो जाएगी अगर इस ढांचे के चिंतन से भी क्योंकि ये ढांचा निमित्त बना है उसी के लिए तो अगर आपके ध्यान में ऐसा आता है तो मतलब भगवान की विशेष कृपा है आपकी लगी हो जाएगी हाँ बस आप फिर नाम जब करो राधा राधा और ध्यान करो ऐसा तो आए, ये देखो शास्त्रीय बात है कोई भावुकता की केवल नहीं है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा जब हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो इष्ट देव अपने आप प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि शास्त्र की आज्ञा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा तो आप उसकी चिंता कीजिए फिर महाराज जी पूर्व में किसी के प्रति यदि दृष्टि विकार आ गया हो किंतु वर्तमान में आपकी कृपा दृष्टि से उसमें भगवत भाव उत्पन्न हो गया हो क्या उसके लिए भी कोई प्राश्चित करना प्राश्चित? नहीं हो गया प्राश्चित कोई जरूरत नहीं है बहुत मंगल में विधान है पूर्व में गलती हो गई और आज हम उसको भगवत भाव से देख रहे कोई बात नहीं उसमें कोई अपराध नहीं कोई दोष दृष्टि नहीं वो तो स्वाभाविक है हमारी दृष्टि गई हमने दोष भाव किया लेकिन फिर हम ब्रह्म भाव कर लिए तो यही तो भाव है बचने का भगवत भाव कर लिए तो हम उससे बच गए क्योंकि दोष दृष्टि होना संसारिक दृष्टि है भगवत भाव होना है शास्त्रीय दृष्टि है जो हम सत्य वस्तु को देख रहे हैं कि प्रभु ही है इस रूप में अब कोई इससे बड़ा प्राश्चित नहीं है संगीता जी झारखंड से गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है मेरा नाम में मन लगा है इतनी दूर से मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ मैं सर्वप्रथम आपसे क्षमा चाहूंगी क्योंकि सबसे पहले जब मैंने आपकी वीडियो देखी और तथा आपके और आपके परिकार की वेशभूषा देखी तो मुझे बहुत हंसी आई थी लेकिन जब मैंने आपके हम देखते लोग हंसी के पात्र ही हैं हंसी के पात्र ही हैं क्योंकि सबके हृदय को शीतलता पहुंचाना हमारे भेष का उद्देश्य है तो तुम्हारी हंसी आ गई तो हमारा जीवन सार्थक हो गया कम से कम जले तो नहीं सुखी तो हुए शीतल तो हुए है ले और दूसरी बात यह है कि जब हम बहुत नाटक देखते हैं तो हमें सत्य भी नाटक दिखाई देने लगता है हमारी दृष्टि में ऐसा होता है ना तो आज जो समाज में साधुता है वो नाटक का रूप होती देखी गई बहुत जगह ऐसा पाया गया जो बिल्कुल नाटक दिखाई दिया तब तो वही नेत्र हैं जिधर हम दृष्टि डालेंगे तो यही लगेगा सब धन के लिए हो रहा है सब नाटक हो रहा है पर ऐसा नहीं है जब नाटक होता है तो किसी असली बात को खोजने की चेष्टा करो तो असलियत तक पहुंच ही जाओगे देखो फिर हम वही कहते हैं कि साधु का नाटक करना सरल हो सकता है लेकिन साधु बनना बहुत कठिन हो सकता है नहीं हम लोग जीवन हो गया जैसे मटकी ना पहले उसे धूप में तपाया जाता है फिर उसे आग में जलाया जाता है तब वो पानी रोकने लायक होती है अगर उसे धूप में ही तपा के और पानी डाल दिया जाए तो फैल जाएगी उसे आग में तपाया जाता है ऐसे भगवान अपने भक्त को संसार की आग में तपाकर फिर पक्का करते फिर संसार के सेवा में उतारते जैसे उतरे ना संसार की सेवा अब इसमें दृष्टि है अब आप जैसा चश्मा लगाए वैसे आपको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा एक इसी बात का नाटक होता है और इसी बात को एक सत्य में लिया जाता है एक सत्य होता है और एक सत्य का डुप्लीकेट होता है तो अगर हम बहुत ज्यादा नाटक देखते रहे तो हमें सत्य में भी नाटक ही दिखाई देगा नहीं दिखाई अब जैसे नकली दाढ़ी लगा के बाबा जी बन के दो घंटे का रोल तो किया जा सकता है उसमें तो तुम्हें एक बार दृष्टि में आएगा कि पकड़ के देखे नकली तो नहीं है लगाए तो नहीं है कहीं नकली बाबा जी तो नहीं है उसमें देखने की जो प्रणाली बन गई जैसे नए हमारे बच्चे हैं अगर संतों के प्रति ये तो भगवान की कृपा को कि श्रद्धा करने लगे नहीं ऐसे वेब सीरीज कहते है? हाँ ऐसी बनाई गई है और ऐसी फिल्मों में नकारात्मक स्वरूप संतों का दिखाया गया है मतलब बिल्कुल गंदा आदमी क्योंकि वो दिखाया जाता है ना नकली काश पहनने के लिए तो लाखों मिल जाएंगे लेकिन असली हीरा खरीद कर पहनने के लिए है तो ऐसे ही भगवान के निज जनों तक पहुंचने के लिए अब हम भा भरोस हनुमंता बिनुहरी कृपा मिले नहीं संता जब भगवान कृपा करते तो अपने संतों का समागम देते तो जब पहली बार देखा तो हंसी आई फिर आगे क्या हुआ आगे, किसका हाँ, आगे जी आगे हुआ कि लेकिन जब मैंने आपकी वीडियो देखना शुरू किया पर फिर तो अच्छा हंसी क्या देख के ये हम लोगों का पीला कपड़ा और जटाजुट

अब भाई अगर मुड़ मुड़ा करके बढ़िया हाँ चिकना और सब तो अलग स्वरूप आ जाएगा ना उसका प्रभाव होता है संतों की दो ही प्रणालियां होती है या तो मुंडन कराना या तो रखाना अब जो हम वनवास कर रहे हैं तो दो ही प्रणालियों में चले चाहे रखा ले चाहे तो हमारा एक स्वभाव है कि अब जैसे दस वर्ष रखें तो रखें दस पंद्रह वर्ष कमर, कभी मन आया मुड़वा लिया ये पीछे मुंडन भी करवाए थे कभी मन आया मुड़वा लिया कभी पड़े तो पढ़े अब ये थोड़ी कि इनमें शैम्पू लग रहे हैं साबुन लग रहे हैं कंगा लग रहे हैं नहीं बने शरीर है अब इसकी तरफ क्या चिंतन करना है अभी हम जानबूझ के थोड़ी रखा है ये हमारा स्वभाव है ये हमारी वैराग्य की स्थिति की बातें है अच्छा जो गुरु ने पीला दिया तो उसे पीला हम गुरु प्रसाद मानकर सब वही पहनते हुए जो हमारी पोशाक है आचार्य परंपरा से उसी को हम धारण देखो हमारे गुरुदेव है ये देखो पीला ऊपर पहने ना हल्का हो गया है उनका तो वही पीला हमको दिए है नीचे मार्किन पीला पहले हम सन्यासी थे लाल वस्त्र में थे और जो गुरुदेव ने ऐसा दिया तो सबसे इससे परिकर समय से और नाम करते क्या है रात दिन ऐसा कि कोई गृहस्थी ऐसा मेहनत नहीं करता होगा ध्यान रखना रात्रि के एक बजे हम उठ करके बीमार शरीर और अपनी दिनचर्या करके दो पंद्रह पे तो हम लिफ्ट से नीचे उतर आते हैं और जब हम जाते हैं तो सब वहां खड़े मिलते हैं और रात्रि के दस बजे तक ग्यारह बजे तक सब श्री जी का सहन होकर दिनचर्या होती है ये कितने बजे सोते हैं और कितने बजे क्या इनका करते भगवान जाने ये जितने नए साधक सब हैं मतलब सैकड़ों की संख्या में पसीना छूट जाएगा इनकी दिनचर्या देख के आपको और दस बारह साधक जाते हैं गांव में वहां से रोटी मांग के लाते हैं जो कुछ चढ़ जाता है जैसे आप लोग कभी ऐसे तो उसी का बिजली का बिल और दाल और सब्जी मंगा के ना कोई किसी से फीस ना कोई दान पेटी ना कोई पर्चा भरवाना ना कोई नौटंकी नाटक पैसा नहीं मांगेंगे पैसे की व्यवस्था के लिए हमारा ये धर्म कार्य ये आपके मंगल के लिए है भगवत प्राप्ति के लिए महाराज जी एक एक प्रश्न उठता है आजकल इतनी मान्यताएं ऐसी हो गई जैसे आपने बोला ऐसी वेब सीरीज ऐसे फिल्म और ऐसा प्रदर्शित कर दिया जाता है प्रकट में भी हो रहा भैया महाराज संत किसको माने संत कौन महाराज जी बाहरी वेशभूषा से देखा जाए तो कौन और आंतरिक स्थिति से देखा जाए तो कौन महाराज सबसे पहली बात है तीन का जो विजयी होता है उसे साधु कहते हैं सब पूरे शास्त्र के हम सार बात बता देते हैं जो शास्त्री भाषा में कहते हैं पुत्र ऐष्णा वित्त और लोकष्णा और शाब्दिक भाषा में कहते हैं कंचन कामिनी और कीर्ति जो काम पर विजय प्राप्त किए हैं और जो धन पर विजय प्राप्त किए हैं धन पर विजय प्राप्त मतलब धन की आशा का त्याग किए हुए हैं और जो मान कीर्ति की वृत्ति का त्याग किए हुए उसे ही महात्मा कहते हैं उसे ही महापुरुष कहते हैं जो मदन मद मोह मत्सर इन पर विजय प्राप्त ये तो आंतरिक स्थिति हो गई अभी हम जो संसार में सामान्य जी आंतरिक स्थिति का ही बाहर प्रकाश होता है बात समझ लो घर में दीपक जलेगा तो खिड़की से बाहर से रोशनी पता चल जाएगी अंधेरा है कि प्रकाश है व्यवहार में पता चल जाएगा ड्रामेबाजी का व्यवहार अलग होता है समझ रहे हो अगर हम रुपया लेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग नहीं बदल सकते ध्यान रखना और जिस दिन हम पैसा लेने लगेंगे उस दिन ये सब नहीं चलेगा जो आज देख रहे हो आप ये आज इसीलिए है बिल्कुल प्योर शुद्ध काम कोई भी मिलावट हम आपको हलवा पूरी का प्रसाद नहीं दे सकते हमारी क्षमता नहीं हम आपको गुलाब जामुन का प्रसाद नहीं दे हमारे यहां प्रसाद नहीं बैठता कभी क्योंकि है ही नहीं तो बता क्या जो व्यवस्था है वो अपना किसी तरह उधर पोषण के सब अपने धर्म से कार्य में लगे मर्जी बाहरी वेश से जैसे आपने बोला एक तो मुंडन और एक तो क्या ये किसी गुरु द्वारा ही प्रदत्त होता गुरु प्रदत, है गुरु प्रदत्त बिना गुरु प्रदत्त या वेश नहीं धारण किया जाता आज सैकड़ों लोग बिना गुरु प्रदत्त धारण हाँ थोड़ा सा वैराग्य आया थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई वैराग्य का तो आया नहीं तो नहीं तो गुरु शरण में होगा थोड़ा सा प्रमाद आया कायरता आई और भेष परिवर्तन कर लिया माल छानने को मिलेगा पूजने को मिलेगा रुपया मिलेगा उन्हीं से नौटंकी नाटक होता है और जब वैराग्य आता है तो फिर ये नहीं होता फिर भगवत प्राप्ति की चाह होती है और फिर जो ये वैभव होता है वो आखिरी बात होती है जब सिद्ध हो गया भगवत प्राप्त हो गया काम हो गया तो भगवान जगत मंगल में उतार देते हैं ये प्रारंभ नहीं है ये अंतिम होता है आज प्रारंभ में क्या प्रचार करोगे जब तुम काम पर विजय नहीं प्राप्ति की क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किए प्रचार क्या करोगे यही इसी का प्रचार होगा रुपया तो होगा प्रणाम होगा नमस्कार होगा भोग तो सामग्री इसीलिए सबके दिमाग में भर गया तो क्या होता है कि आजकल अर्थ की इतनी मांग हो रही हर जगह अर्थ ही अर्थ है सत्संग है, तो है तो अर्थ है भागवत है तो अर्थ है कोई प्रोग्राम है तो अर्थ है मतलब जहां देखो अर्थ है और अर्थ से भोग सामग्री और भोग सामग्री का भोगता वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता वो कभी भगवान का प्रेमी नहीं हो सकता वो और कभी सच्चाई से नहीं चल सकता जहां अर्थ की प्रधानता है और अर्थ की प्रधानता इसीलिए लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है कि ये सब धंधा है क्योंकि इसको धंधा बनाया जा रहा है तो इसीलिए लोगों को ये लगता है कि ये सब फ्राड गिरी है ये सब भरोसो दृढ़ इन चरणन के रोह कभी भी संत महात्माओं ने अपने वचनों को नहीं बेचा है ये जीवन की धरोहर कल जगत कल्याण के लिए कि बेचने के लिए है जी एक और प्रश्न है ये तो हो गया एक भारत जी आज देख रहे हैं कि कोई भी किसी को भी बाबा जी बोलता रहता है वो पैंट शर्ट डाला है वो कुर्ता पजामा डाला है हाँ, मुझे क्या है हो उनकी मर्यादाओं को तो जानते नहीं है संत किसी के आगे भी लगा थे हमारे यहाँ दिखाई देता है कभी पैंट शर्ट में होते हो कभी पूरे संत भगवा ऐसे धारण किए होते ये सब नौटंकी नाटक संतों में नहीं होता प्रभु एक गुरु मर्यादा होती है। जो गुरु ने लंगोटी लगा दी जो गुरु ने भेज दिया वो आजीवन उसको कि निर्वाह किया जाता। संत उसमें लंगोटी धारण करेगा अरे बिना लंगोटी का खलु संत की स्थिति ऐसे अच्छा गृहस्थ में जो संत होते हैं वो अपनी मर्यादा से रहते हैं पैजामा कुर्ता पहने कंठी है तिलक है नाम जब है वो अपनी मर्यादा से रहते हैं तो जो मर्यादा आचार्य परंपरा से बनी उसका त्याग किए हुए जानते ही नहीं एक हितधाम में लाल कपड़ा पहने हुए थे तो उन्होंने प्रश्न किया तो जब उन पर दृष्टि गई तो स्थिति कुछ थी नहीं तो हमने कहा प्रश्न बहुत ऊंचाई कर रहे हो कहां से सन्यास लिया है बोले कहीं से नहीं अपने मन से पहन लिया तो अब क्या होता है कि भेष बनाने में कोई ज्यादा देर तो लगती नहीं नीचे लाल पहन लो ऊपर लाल पहन लो नीचे पीला पहन लो ऊपर पीला पहन लो जैसा मनावे वैसा तिलक लगा लो कोई जानने वाला तो है नहीं कि आपके संप्रदाय का तिलक लगाए आप किस आचार्य से जुड़े हुए हैं अब वो क्या है वो जो कार्य करेंगे वो संसारिक कार्य करेंगे और बेज्जती होगी संतों की ये देखो ये अमुक बाबा अब वो पैजामा कुर्ता पहने अमुक संत यार संत किसके आगे लगता है आचार्य परंपरा से जुड़े हुए वैराग्य दीक्षा लिए हुए उनके आगे संत लगता था भाई ऐसे आचार्य शास्त्री या ऐसे पदों से हम सम्मानित सबको किया गया लेकिन संत शब्द लगा आचार्य परंपरा से जो संत है आज पैजामा कुर्ता पहने संत पैंट शर्ट पहने संत उल्टा सीधा बोल रहे हैं बोले संत अब लोगों की क्या समझ में आ गया ये सब नौटंकी नाट है ऐसा नहीं है संत है भगवान का मार्ग है सच्चा भगवान का मार्ग है। पर वो बिना भगवान की कृपा के संतों का दर्शन या सानिध्य है महात्संग दुर्लभ हो भगवान की कृपा और आज बहुतायत है बहुतायत सच्ची मानिए ऐसी बहुतायत है कि जिसको जानना बड़ा कठिन तो ये बात समझो कि अर्थ की प्रधानता भोग की प्रधानता मान सम्मान की प्रधानता ये साधुता नहीं रहने देती ये नाटक में उतार देती भगवान की कृपा से साधुता और संतों का मिलना बहुत कठिन है आज जो संत हैं आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते ऐसे रह रहे हैं ऐसे वृंदावन में ब्रज में हजारों ऐसे संत हैं जिनको आप मानोगे नहीं कि संत हैं साधारण कपड़ा पहने कमंडल लिए रोटी मांगे खाए छुप के भजन कर रहे हैं कौन जान पा रहा तो अगर हम धन का महत्व तो रखेंगे भोगों का महत्व तो रखेंगे तो साधुता का मतलब क्या है घर का आय को त्यागत है गोस्वामी जी ने दो प्रकार के संत बताए एक संत बताए जो भोग ऐश्वर्य को भगवान के लिए त्याग कर भजन मार्ग में चलते हैं वो एक नारी मुई घर संपत्ति नासी मूड़ मुड़ाए वह संन्यासी गोस्वामी जी ने लिखा है बहुत तो कठिन है साधुता का मार्ग और बहुत कठिन है संतों का दर्शन ये भी बात समझ लो भगवान की कृपा है तो साधु समागम मिल रहा है और जितने दिन है उतने दिन ही मिल रहा है ये बाजार है उठ जाएगी ज्यादा दिन रहे, नहीं रहेगी पकड़ना है तो पकड़ ले तो गाड़ी छूट जाएगी महाराज जी दो शब्दों में एक अंतिम इसका करेंगे महाराज जी हमारी अश्रद्धा ना हो जाए इस वाक्य को पकड़ के कोई सच्चे संत पे भी ऐसा आरोप या ऐसी भावना कर सकता है उसके लिए एक साधारण जो जो भक्ति मार्ग से विलग भी है जुड़ा है वो कैसे निर्णय ले देखो संत की सबसे पहली पहचान है हम जिसके पास बैठे तो पहला काम हमारे हृदय में शीतलता आने लगेगी या जलन पैदा होगी दो काम होंगे अगर आप पापाचरण के हो तो आपके अंदर जलन पैदा हो जाएगी लगेगा मैंने बहुत बुरा किया अब नहीं करूंगा उसके पास बैठते ही उसके वचन सुनते ही आपके अंदर खलबली पैदा हो जाएगी यार बहुत गलती हुई अब कसम खाता हूं ऐसा नहीं करूं दूसरी बात अगर थोड़ा भी साधन भजन शुरू है तो आपको ऐसा लगेगा मैं देख तो पहली बार रहा हूं लेकिन ऐसा लग रहा है मैं इनसे बहुत बार मिल चुका हूं ऐसा लगता है कोई अपने है ऐसा लगता है कि मेरे अपने हैं ऐसा लग... वहां कोई संशय कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा ही नहीं हो सकता जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता ऐसे संत के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा हो सकता कि कोई छल है क्या कोई कपट है क्या ऐसा आएगा ही नहीं उनको देखते ही तुम्हारे हृदय में एक अद्भुत प्रियता और गलत कर्मों के प्रति एक अलौकिक जलन शुरू हो जाएगी और आप निश्चित गलत कार्यों को छोड़ देंगे और अच्छे कार्य करने लगेंगे ये सहज पहचान है बकाया सोई जाने जे देह जलाई वो संत अपने को जना दे या भगवान जला दे तो ही नहीं तो कैसे जला जा सकता है पर हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है हमको सबके प्रति भाव रखना है पर जहां हमको गलत थोड़ा भी नजर आवे तो हम निंदा न करें वहां से दूरी हट जाए चाहे कोई भी हो ये बात हमें ध्यान रखनी है गलत का मतलब है जैसे चेष्टाएं बता देती है आदमी की स्थिति बता देती है देखो चेष्टाएं छुपती नहीं है और सब कोई जानता है कि गलत देखना गलत छूना गलत बोलना वो हरकत में समझ में आ जाता है अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है वो आपको बता देगा आदमी गलत है चाहे वो किसी भी भेस में हो दूरी बना लेनी चाहिए दूसरी बात जिसके प्रवचन के बाद कुछ लेने की बात कह दी जाए तो समझ लेना कि यहां भगवान के भरोसे का खेल नहीं है यहां कुछ और खेल है हट जाना चाहिए तीसरी बात जो मिलते ही आपको अपना बनाने की कोशिश करें जो आपको अपना बनाने की वहां कभी मत भी सूत्र समझ लो आप मिले आपको इतना प्यार इतनी क्यों आप उनकी मुट्ठी में आ जाएं बिल्कुल नहीं आना दूर हटके रहना ये पक्का समझ लेना संत कभी अपेक्षा नहीं रखते वो निरपेक्ष रहते, रहते हैं आप उनके जितने प्यार में झुकेंगे वो उतने ही आपसे निरपेक्ष होते चले जाएंगे संत की पहचान होती है अगर वो लौट करके आपकी तरफ प्यार दृष्टि से देख ले तो आप निहाल हो जाओगे जो निरपेक्ष संत हैं और जो आपको पहली बार में ही आकर्षित करके अपना बनाने की कोशिश करें तो ये समझ लेना चाहिए कि यहां निरपेक्षता नहीं है तो भगवान का भरोसा नहीं ये कुछ हमसे रहे हैं और जो हमसे रहे हैं तो हमारी चापूर्ति इनसे हो ही नहीं सकती ये कुछ ऐसी बातें हैं पॉइंट की जिनको समझना चाहिए अच्छा जिस सत्संग में जाने के लिए अध्यात्म सुनने के लिए पैसा लगे उसमें तो कभी जाना ही नहीं क्योंकि उसमें लाभ होगा ही नहीं आपको क्योंकि अर्थ दे करके भगवान की चर्चा का लाभ नहीं मिल पाएगा अध्यात्म कभी पैसे से नहीं बिकता और पैसे से कभी अध्यात्म को खरीदा नहीं जा सकता आज समाज अंधी होती चली जा रही है हमारे रोग दूर होंगे भगवान नाम जब से ना कि किसी के छूछा से बात पक्की समझ लेना महीना दो महीना चार महीना अगर भजन डट के किया हो तो चेहरा बता देता बचपन से भगवान के मार्ग में रहे और ईमानदारी से भगवान के ही मार्ग में रहे तो अपने जीवन की इन आंतरिक बातों को हमने देखा कि उसका प्रभाव जो पड़ता है वो आप पर पड़ेगा आप खुद देख रहे हो अगर लाखों लोग मिल रहे हैं और कह रहे हमारा परिवर्तन हो रहा है तो कोई हमारे प्रवचन में जादू नहीं है ये प्रवचन सब जगह होते हैं हम शास्त्र की बात कहते हैं अंतर इतना है कि हम आपके कल्याण के लिए सिर्फ बोल रहे हैं आपसे कुछ चाह नहीं रहे इसलिए आपका परिवर्तन अन्यथा नहीं अन्यथा नहीं तो हमको ये बातें ध्यान रखने कि कोई भी छूछा कोई भी हवन कोई भी जंतुर मंतुर तुम्हारे दुखों को नहीं मिटा सकता रामकृष्ण परम सिद्ध महापुरुष थे गले में कैंसर था आप विचार करके बताइए क्या उनके भजन में कमी थी भगवत प्राप्त नहीं थे क्या था और आज तुम भरोसा करते हो छूछा का कि तुम किसी के पास चले गए वो तुम्हें जंतुर दे देगा तुम्हारे ऊपर हाथ फेर देगा जाओ आशीर्वाद ठीक हो या काे को फंस रहे हो नाम जब से सब ठीक हो जाएगा नाम संकीर्तनम यश्य सर्व पाप प्रणाशनम आप कह दो आप क्यों नहीं ठीक हो गए क्योंकि इसको हम ठीक करना नहीं चाहते अब हमारा समय आ रहा है श्री जी से जाने श्री जी के समय का तो अब इसका जो काम चल रहा है वो प्रोसेस चल रहा है जय दिन उनको जिलाना थे दिन जिलाना हमें श्री जी के पास जाना इसको रख के हम क्या करेंगे हमारी गाड़ी का काम था घर तक पहुंचा देना गाड़ी घर तक पहुंच गई है अब दरवाजे पर धुआं दे रही है अब आग लग जाए तो क्या परेशानी इस गाड़ी की हमें जरूरत नहीं आप लोगों की सेवा के लिए श्री जी से रखे हुए आज देखो एकदम घर जैसी वार्ता हुई उतर के इसको व्यर्थ मत जाने देना नाम जब करो और ढोंग और पाखंड से बचो और ढोंग और पाखंड से जब आप लोग बचोगे तो कम होगा ढोंग पाखंड आज सत्य को कोई नहीं समझ रहा हा ढोंग पाखंड में आप फस और उनका बढ़ावा हो रहा है तो जब सौ लोग प्रणाम करेंगे ना तो पचास उसमें अपने आप चले जाते हैं और कि भाई कुछ तो है मतलब कुछ तो है ना ये सौ लोग नाम जब करो और जो दुख सुख आवे उसको भोगो शरीर रोगी है तो अस्पताल जाओ अध्यात्म के लिए साधु महात्मा का संग करो और धन कमाने के लिए धर्म पूर्वक कर्तव्य कर्म करो किसी के आशीर्वाद से धन नहीं आता जैसे वो कहते ना उनसे आशीर्वाद मिल जाएगा तो धन आ जाएगा तो तुमसे पैसा क्यों लेते हो अपने ऊपर आशीर्वाद दे ले खूब धनी हो जाए तो इन बातों को समझो और पाखंड का विरोध अंदर से रखो हम संग नहीं करेंगे ऐसे पाखंड तो आज हमारे भारत में जो उपहास हो रहा है संतों का जो पाखंड का वो सब ठीक हो जाए जाओ आपका सबका मंगल हो राधा राधा